यार आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। सोशल मीडिया में नया नगर की मीरा रोड की शम्स मस्जिद जिस तरीके से वायरल हुई और जो मस्जिद जिस तरीके से बनाई गई है, इस वक्त मेरे साथ में मुजफ्फर हुसैन है जो कि ट्रस्टी है और मस्जिद के बानी भी है। आइए जानते हैं इस मस्जिद की, मस्जिद को किस तरीके से बनाया गया है। मस्जिद मुनव्वरा की तर्ज पर यह मस्जिद है। आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना। क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मस्जिद बनाने की नया नगर में कैसे सोची आपने कि मस्जिद बनाई जाए और मस्जिद मुनव्वरा की तर्ज पर ही बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस जामे मस्जिद अल शम्स की संगे बुनियाद हमारे वालिद साहब सैयद नज़र हुसैन साहब और हज़रत मौलाना अशरफुल उलमा हामिद अशरफ साहब, हज़रत मौलाना ज़हीर खान साहब, हज़रत मौलाना अतर साहब और तमाम दिगर उलमाओं के हाथों से इसकी संगे बुनियाद 1979 में इस मस्जिद की संगे बुनियाद रखी गई थी। और आने वाले वक्त में, अगले 25 साल में या 50 साल में इस शहर की बस्ती कितनी होगी, तो उसके मद्देनज़र इस मस्जिद की तामीर, साइज़, प्लॉट वगैरह रखा गया था। 1995-96 के अंदर हमने जो जूनी छोटी सी मस्जिद पहले बनी थी उसको शहीद करके जो है नई जो इमारत आज आपके सामने नज़र आ रही है, इसकी तामीर मुकम्मल की गई। अब इत्तेफाक से क्योंकि कोविड का माहौल था और मस्जिद 1.5-2 साल बंद थी, तो मौका मिला कि इस मस्जिद को नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस किया जाए और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कि सिर्फ मस्जिद को बेहतरीन बनाने के लिए बल्कि मस्जिद के ज़रिए लोगों तक के दीन की बातें पहुंचाने का काम किया जाए। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आज की तारीख में नौजवान जहाँ पे दीन से दूर हो रहा है, सोशल मीडिया पे उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, शम्स मस्जिद को सोशल मीडिया पे भी आपने जोड़ दिया है। दीन से लोग दूर हो रहे हैं, सिर्फ नौजवान नहीं, दीन से लोग दूर हो रहे हैं, ये बात अपनी जगह पे सही है और ये उतनी ही तकलीफ दह बात भी है क्योंकि इस्लाम और कुरान शरीफ, हदीस शरीफ में जो दुनिया भर की बातें हैं, जो आज साइंस रिसर्च कर रहा है, अगर आप अभी नमाज को ही ले लो तो नमाज के जितने पोस्चर्स हैं वो तो सारे योगा के पोस्चर्स हैं। आप रोज़े की बात ले लो तो आज रोज़ा जो 12 घंटे का रोज़ा होता है, 14 घंटे का होता है, उसको इंटीमिटेंट फास्टिंग, डायबिटोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस इंटीमिटेंट फास्टिंग का आपको कोर्स लिख के देते हैं कि 12 घंटे आप मत खाना खाइए। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जिस्म के अंदर का फैट्स बर्न होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो जिस्म के अंदर लीवर में, किडनी में एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो बॉडी से फ्लश आउट होता है, इंसान के दिमाग के ऊपर और दिल के ऊपर एक सुकून मिलता है। नमाज में जो खड़े रह करके जो तमाम आयतें पढ़ी जाती हैं, सूरे पढ़े जाते हैं, तो एक मेडिटेशन, एक फोकस है, अल्लाह ताला की तरफ आदमी का जहन जाता है और वो मेडिटेशन है। आज आप टीवी पर देखते हैं लाखों लोग जो है मेडिटेशन के नाम पे अजबों रुपये कमा रहे हैं। वज़ू 5 टाइम का कोविड ने पूरी दुनिया को आज सिखाया और इस्लाम ने हज़ारों साल से बताया कि वज़ू करने से कैसे आपकी साफ़ रहती है, नाक को साफ़ कीजिए, नाक में जरासीम हो सकते हैं, कान साफ़ कीजिए, मुंह साफ़ कीजिए, कुल्ली कीजिए, हाथ धोइए, पैर धोइए। ये कोविड में दुनिया को अभी साइंस ने बताया, इस्लाम में कई सालों से इस चीज़ को बताया गया है। तो इस्लाम में और कुरान शरीफ में जो भी अरकानात बताए गए हैं वो सब साइंटिफिक है। आप खड़े रह के पानी मत पीजिए, बैठ के पीजिए, 3 घूंट में पीजिए, क्योंकि अगर आपने खड़े रह के पिया पानी तो जो सांस लेने की नली है और जो जिस्म इंटेस्टाइन में जाने की जो नली है वो पानी लंग्स के अंदर जा सकता है, और घुट घुट में पीजिए ताकि एक घुट इत्मीनान से आपके पेट में जावे, ना कि लंग्स में जाए, ना कि फेफड़ों में जाए। तो हर चीज़, हर अरकानात जो भी कुरान शरीफ में और हदीस शरीफ में और इस्लाम में बताए गए वो सारी साइंटिफिक है। तो नौजवानों को जोड़ने की वजह YouTube का चैनल हम जो एक शुरू करने जा रहे हैं जिससे लाइव स्ट्रीमिंग होगी, दुनिया के किसी भी कोने में खड़े रह करके आदमी, बच्चा, घर में बुज़ुर्ग जो बयान हो रहे हैं कुरान की रोशनी में हो रहे हैं, हदीस शरीफ की रोशनी में हो रहे हैं, साइंटिफिक उसकी किस तरह से कनेक्टिविटी है, आपकी ज़िंदगी के साथ उसकी क्या कनेक्टिविटी है, इसे YouTube का चैनल शुरू करके ये हम नौजवानों तक, जो आपने कहा
कि नौजवान सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखते हैं। जब नौजवानों को ये दीन की बातें साइंटिफिक है और किस तरह से उसकी ज़िंदगी में सुधार आ सकता है और साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसके लिए उसको डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये बातें जब उनके समझ में आएगी तो अपने आप वो दीन की तरफ और नमाज की तरफ जो है बढ़ेंगे। लेकिन एक नई चीज़ मैं ऊपर कुछ देख रहा हूँ, वो जानना चाहेंगे कि असल में वो क्या चीज़ है और यहाँ पे हमको इतना ठंडा क्यों लग रहा है। आप एयरपोर्ट पे और तमाम जगहों पे देखते हैं इस तरह की शीट नज़र आती है, मगर वो सिर्फ धूप को रोकती है। ये इटालियन फरारी जो गाड़ियों की कंपनी है वो एक शीट बनाती है जो धूप को रिफ्लेक्ट करती है, वापस फेंकती है। इस मस्जिद के सहन में ये तकलीफ़ होती थी कि लोग नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते थे, खड़े नहीं रह सकते थे, तो ये इटालियन शीट को जो है फरारी कंपनी से इम्पोर्ट किया गया है और ये सहन के अंदर इसका इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा मस्जिद के अंदर बड़े अत्याधुनिक तौर पे लाइट्स लगाई गई है, सोने के अक्षरों में अल्लाह के नाम लिखे गए हैं। जैसे मैंने कहा कि कोविड में 2 साल का वक्त हमको मिला और फिर भी अभी 20-25% काम बाकी है, तो मस्जिद में लाइट एंड साउंड सिस्टम, तो जर्मनी और अमेरिका से साउंड सिस्टम मंगाई गई, लाइट सिस्टम मंगाई गई है और अल्लाह ताला के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो है वो दीवारों पे और कॉलम पे लिखे गए हैं और उसको सोने के वर्क से उसे सजाया गया है और उसे लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले ट्यूबलाइट्स जलती थी LED की, अब ये जो येलो लाइट्स जल रही है इससे हीट जनरेट नहीं होती, तो येलो वाइट लाइट भी बंद हो गई है और खूबसूरती भी आ गई है। जो सोने का वर्क किया गया है, जो तमाम आयतें लिखी गई है गुंबद के अंदर, जो पहले माले की गुंबद है जो 40 फीट डायमीटर का है, 80 फीट हाइट का है, उसमें सूरह रहमान लिखा गया है, तो सारी लाइट्स से उसे सजाया गया है, मगर उसे हीट जनरेट नहीं होती है। ये कोई फोकस है या हेलोजन लाइट्स नहीं है। और मस्जिद के एतराफ़ में और गुंबद पे जो लाइट्स लगाई गई है ये भी RGB लाइट्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन जिसे कहा जाता है, और इसमें तकरीबन 1000 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने इसमें सिर्फ 3 लाइट के कॉम्बिनेशंस तैयार किए हैं कि वो हर 3 लाइट 10 सेकंड्स में बदलेगी। उस तरह से 365 सीक्वेंस हम बनाने वाले हैं, हर दिन 3 नई लाइट दिखेगी, मतलब इस रमज़ान में अगर आपने जो लाइट देखी वो अगले रमज़ान में आपको वो सीक्वेंस नज़र आएगा। गुंबद पे और मीनार पे जो कलश लगा हुआ है वो उसको पूरे गोल्ड प्लेटिंग की गई है, उसको गोल्डन लाइट से, उस पर 8 लाइट्स, मीनार के ऊपर 4 लाइट्स और गुंबद के ऊपर 9 लाइट से उसको सिर्फ वो कलश जो है उसके ऊपर फोकस करता, और वो जो गोल्ड जो है उसको आप रात में भी देख सकते हैं। ये जो मेन दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये भी बर्मा टिकूट का बनाया हुआ है, और हमारे वालिद साहब का ये कहना था कि नहीं, मस्जिद का दरवाज़ा है जो बड़ा आलिशान होना चाहिए था, तो दरवाज़ा तो बना 15 साल पहले, मगर अभी उसको पूरे गोल्ड लिफिंग का काम किया गया है, पूरा उसका भी जो है गोल्ड लिफिंग से उसे सजाया गया। इस तरीके की मस्जिद यहाँ बनाई जाए, पहली बात तो मस्जिद नबवी की कॉपी करना भी हम सोच नहीं सकते, उसकी रिप्लिका बनाना तो बहुत ही दूर की बात है, वो अपने आप में एक मिसाल है दुनिया में। हाँ, मगर 1997 में जब मैं और मेरे वालिद साहब और मेरे बड़ी बहन और बहन भाई हम लोग हज पर जब गए थे, तब ये ज़रूर था कि इंशाल्लाह ताला जो मस्जिद अपनी मीरा रोड में जामा मस्जिद अल शम्स तामीर हो रही है, वहाँ से जो कुछ भी हम इस मस्जिद में ला करके कर सके, अल्लाह ताला जो भी चाहे और वो काम हमसे ले सके, तो कोशिश चल रही है कि उस तर्ज के ऊपर इसे थोड़ा सा सजाया जाए, नौजवानों को थोड़ा सा रोशनी और थोड़ी सी लाइट्स देखने से वो अट्रैक्ट होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि नमाजी बढ़ गए हैं, नमाजी जो है तरावी में अभी पूरी नीचे की का सहन और मस्जिद पूरी फुल होती है, ऊपर की पूरा हॉल फुल होता है, नमाजी बढ़ गए हैं। 2 जमातें हमने शुरू कर दी है कि रास्तों पे नमाज़ पढ़ना, गटरों पे नमाज़ पढ़ना, पेपर बिछा के नमाज़ पढ़ना, उन पेपर पे तमाम गंदी गलीज चीज़ें होती है हम उस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, रास्ते पे लोग चलते हैं थूकते हैं उस पर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नीचे से गटर बह रही है, गंदा पानी बह रहा है, हम उस पर नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए जामे मस्जिद अल शम्स मीरा रोड में अभी 1 महीने हो गए हैं कि जुमे की भी 2 नमाज़ें हमने कर दी है, 2 जमातें कर दी है, ईद की भी 2 जमातें कर दी है। इस वक्त मेरे साथ में मीरा रोड के कुछ स्थानीय नागरिक है, आइए जानते हैं
इस मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के बाद माह रमज़ान में जिस तरीके से मस्जिद का सौंदर्यकरण किया गया, उनकी क्या राय, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हमारे साहब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने जो काम किया है इस मस्जिद के लिए, बहुत ही माशाल्लाह उम्दा काम किया है। नमाजियों के ख्यालात को रखते हुए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इंतज़ाम अच्छे हैं, नीचे एसी है, ऊपर भी एसी लग जाएगा। उनका यही एक मतलब है कि नमाजियों को और सबको साथ में लेके चलना की बातें अच्छा करना। हाँ सर, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर 25 साल से मैं सऊदी में था। मैं जब यहाँ मस्जिद में आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सऊदी में ही हूँ। जो अभी जो यहाँ पर जो बना हुआ है तो ऐसा लग रहा है मुझे मैं सऊदी में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। वो जो एसी लग गई है अभी, मैं सुना ऊपर भी लगने वाली है एसी, तो माशाल्लाह। और अपने में एक मिसाल है ना कि इनकी तुम्हारी आखिरत संवर जाए, तो मेरे हिसाब से मुजफ्फर साहब की आखिरत तो अल्लाह ने संवार ही दिया, यहीं से उनकी ऊपर की आखिरत यहीं संवर गई है। यहाँ पर जो भाई ने मुजफ्फर हुसैन जो है उन जो नमाजियों का ध्यान रख करके आज इतनी अच्छी और इतनी पूरे महाराष्ट्र में ऐसी नंबर आज मस्जिद अल शम्स जामा मस्जिद जो महाराष्ट्र में नंबर वन कहलाई जाती है। इस मस्जिद अल शम्स की तामीर जो है हमारे इस मीरा भाईंदर के मीरा रोड के रूनवा सैयद नज़र हुसैन साहब ने की, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली है और उनके साथ में उनके फर्जंद अर्जुमन श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने मिलकर दोनों ने 1997 में ये मस्जिद को बुनियाद डाली थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। मस्जिद बहुत खूबसूरत लग रही है, दरवाजे पे बहुत अच्छा काम हुआ है और माशाल्लाह अंदर एसी की भी बहुत अच्छी कूलिंग है। मेरे पास साथ में मीरा रोड की अल शम्स मस्जिद के इमाम साहब मौजूद है और इमाम साहब की ख़ास बात यह है कि इमाम साहब मस्जिद की बुनियाद के वक्त से यहाँ पर है। लगभग उन्हें 26 साल यहाँ पर हो गए हैं इमामत करते हुए, और उस वक्त की मस्जिद, शुरुआती दौर की मस्जिद और आज की अत्याधुनिक मस्जिद में क्या फ़र्क है, उन्हें क्या महसूस होता है, क्या कहते हैं वो जानते हैं उनसे, क्या कहेंगे इमाम साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं जामा मस्जिद अल शम्स का इमाम मौलाना मंसूर साहब आपसे मुखातिब हूँ और रमज़ान मुबारक आप सभी हजरात को मुबारक हो। ये मस्जिद मैं उस वक्त से मीरा रोड में हूँ जब ये छोटी सी मस्जिद थी, उसके बाद शहीद की गई, फिर बड़ी मस्जिद की तामीर हुई जिसमें आली जनाब सैयद नज़र हुसैन साहब और उनके साहबजादे आली जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने बड़ी मेहनतों और काविशों से इस मस्जिद को संवारा बनाया। आज माशाल्लाह ये मस्जिद मीरा रोड यानी ज़िले थाने की बल्कि महाराष्ट्र के मानी जानी मस्जिदों में शुमार होती है। और किसी मौके पे एक आदमी आए मीरा रोड, उन्होंने कहा कि आली जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने मीरा रोड में जन्नत बनाया है। इस मस्जिद को देख करके वो इतना खुश हुए कि सैयद साहब के बारे में उन्होंने कहा कि आली जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने मीरा रोड में जन्नत बना दिया है, यानी इस शम्स मस्जिद को उन्होंने जन्नत बनाया, जन्नत से ताबीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें तो जन्नत में उठाई जाएंगी ही क़यामत के दिन, और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बड़ी खूबसूरती के साथ ऊपर नीचे और मीनार वगैरह का सारा काम गोल्ड से करवाया, जिससे कि लोग आते हैं और बहुत देख करके खुश होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि मेंबर के पास में देखिए आप, और मेंबर से ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोने के अक्षरों में अल्लाह के नाम और उसको अल्लाह के नाम लिखे गए हैं। डिजिटल बोर्ड है, इस तरीके से पूरे मस्जिद में कुरान शरीफ की आयतें लिखी गई है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं कि पूरे मस्जिद में सेंट्रल एसी लगा हुआ है, पूरा एयर कंडीशन मस्जिद बनी गई है। नीचे का आप कालीन देख सकते हैं जो कि बेशकीमती कालीनों में शामिल होता है। आपको यहाँ पे जिस तरीके से नमाज़ पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है वो बयान नहीं कर सकते हैं। तरीके से मस्जिद अंदर से खूबसूरत जितनी बनाई है उतनी ही खूबसूरत मस्जिद
बाहर से भी बनी हुई है। और सैयद मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि मस्जिद में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके की है, 365 दिन हर दिन तीन कलर में मस्जिद के लाइट बदलती रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की गई है, अमेरिकन जापानीज टेक्नोलॉजी है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, जिससे रोज़ाना तीन तरीके की लाइट्स से इफ़ेक्ट से मस्जिद चमचमाती है, खूबसूरती में उसके चार चांद लगते हैं। ये जो लाइट लगी है आप देख रहे हैं, ये लाइट कुछ इस तरीके की है कि इस लाइट से गर्मी पैदा नहीं होती है और हीट नहीं होता है। ये अमेरिकन लाइट है, जर्मनी लाइट्स है ये, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारे आपके घर में LED होती है, वाइट कलर की होती है, जिसमें भी गर्मी होती है, लेकिन इस लाइट में गर्मी नहीं होती। दिख रहे हैं नया नगर की अलशम्स मस्जिद के बाहर का एरिया है, ये जो आप रोड देख रहे हैं, जो रोड के बाहर दुकानें हैं, दुकान के बाजू में ये जो खुला रास्ता है, रमज़ान से पहले तक का यहाँ पर पूरे रास्ते पर नमाज पढ़ी जाती थी। लोग पेपर चटाई जो जिस तरीके की सुविधा हो वो बिछा करके रास्ते पे नमाज़ पढ़ते थे, जिसे अलशम्स मस्जिद ने बंद कर दिया है। एक जमात की बजाय दो जमात करना है। और इस वक्त मेरे साथ में जुबेर इनामदार है, उनका क्या कहना है आइए जान। क्योंकि हमारी नमाज हमारी इबादत हम तक, औरों को परेशानी हो ये भी बात सही नहीं, और हमें तो हमारा दीन हमारा ईमान और हमारा मज़हब समझाता है कि हमको किसी और के लिए कोई भी परेशानी का सबब ना बने, बल्कि ये तो रहमतों वाला महीना है, तो जितना अच्छा काम हो, रहमतों वाला काम हो, बेहतर काम हो, उनको करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि फेरी वालों को भी, जिस तरीके से फेरी वाले लगते हैं, आप एक के बाद एक फेरी वाला लगाता है, उसके बाद में हम आके अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके बाद एक आदमी और अपनी गाड़ी खड़ी करता है, तो आप फेरी वालों से भी रिक्वेस्ट करो कि भाई रास्ते को जितना छोड़कर खड़े हो सकते खड़े रहें, और आप भी जो है इस तरह से कि रास्ते खुले रहें, किसी को कभी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए और रास्ता बंद होगा तो कैसा खुल जाएगा, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। सिखाता है इंसानियत, ना कि किसी को किसी तरीके की कोई तकलीफ हो। जिस तरीके से बाहर के आम लोगों को इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए बाहर की नमाज भी बंद की गई है, रास्ते पे नमाज अब पढ़ने नहीं दी जा रही है, एक जमात की बजाय दो जमात होगी, कुल मिला के लोगों को राहत देने का काम। इसके अलावा शम्स मस्जिद जिस तरीके से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ दीन और दुनिया में मिलके काम कर रही, इससे ज़रूर ये मुसलमानों में एक एहसास पैदा हो रहा है कि इस्लाम हमारा जो है सच है और हमें इस्लाम को मानना चाहिए। और इस्लाम मज़हब किसी को नहीं सिखाता है कि उनकी नमाजों की वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और उमर के साथ देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुंबई।